और कुछ काम की बात कर लें जो कि कही जा रही है एक सियासतदान की जानिब से। कहते हैं काम करो काम, एहतसाब का ड्रामा हमें मत दिखाओ। इंतकाम लोगे तो हुकूमत कब और कैसे चलाओगे, चंदे से डैम बनाएंगे। दुनिया में कौन सा डैम चंदे से बना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा कि नाम निहाद पढ़े लिखे जाहिलों के हाथ हुकूमत आ गई है। आपने झूठ बोला, आप झूठ बोलते बोलते साजिश करते करते और पता नहीं क्या क्या करते करते मेरी तो जबान भी जेब नहीं देती, आप वजीर आजम हाउस तक पहुंचे नहीं, पहुंचा दिए गए। तो अभी होश के नाखून लो, संजीदगी इख्तियार करो। 21 करोड़ का मुल्क, एटमी ताकत, इतना बड़ा मुल्क दुनिया के बड़े मुल्कों में शामिल है, तमाशों से नहीं चलेगा, बाजीगरी से नहीं चलेगा, कॉस्मेटिक से नहीं चलेगा, शेखियां मार के भोंगियां मार के नहीं चलेगा। काम करके दिखाओ। अब ये नापुख्तगी है। एक जौहरी ताकत मुल्क का वजीर आजम इस तरह बिहेव नहीं करता। फिर फरमाया वजीर आजम हाउस में मैं नहीं रहूंगा। भाई क्यों नहीं रहोगे? ठीक है आपका 310 कनाल का बनी गाला में अपना महल है, लेकिन वजीर आजम हाउस में रहो तो हमें क्या एतराज है? और फिर क्या किया? पहले सर अंदर घुसेड़ा, फिर सारा धड़, और अब वजीर आजम हाउस ही इस्तेमाल हो रहा है तो ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? फिर बोला 524 मुलाजम है, दो रखूंगा। आज महीना हो गया है, हम पूछ रहे हैं जो 522 मुलाजम वजीर आजम हाउस से फारिग किए हैं उनकी किन महकमों में ट्रांसफर हुई है? कोई नहीं बताता, क्योंकि सारे वहीं